सारा मटेरियल मामी ने यहाँ पर रख लिया है। बीच में आप लोगों को नजर आ रहे होंगे जी आलू ऐड हो गए हैं। 3 मिनट के लिए सब चीजें मैंने पका ली हैं, तो अब मैं डालने लगी हूँ सूजी। बिस्मिल्लाह। इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा डीप फ्रीजर में रखना होगा। नहीं, इसको नहीं रखो, फोन को रखो, हीटअप जो कर रहा है। बच्चे टेस्ट कर ले, उनको कैसे लगती है, ये कैसे मजे से खाते हैं। बस 3-3-6 रह गई हैं, बाकी सारी बन चुकी हैं। फाइनली तौर पर जी हमारी टेस्ट भी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है और आप लोगों को लुक नजर आ रही होगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। आज फिर से न्यू रेसिपी के साथ अपने बहन भाइयों के साथ हाजिर हुए हैं। तो यहाँ पे बड़ी सिस्टर लाडो को तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि लाडो सिस्टर की ना कोई तबीयत अच्छी नहीं है, ब्लड इतनी तेज़ है क्या है, तो वो सो रही हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ना बड़ी सिस्टर को लगा लिया, मैंने कहा मुझे सूजी जो है ना छान के दो। आज जो मैं बना रही हूँ, ये नहीं समझे कि रोज़ जो है ना मैं सूजी बनाऊँगी मीठी वाली, मीठी तो मैं बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, मिर्ची वाली मिर्ची वाली बना रही। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है, तो जो जो चीज़ें इकट्ठी करूँगी और जो चीज़ बना रही हूँ वो फिर बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल जो है मैं ग्रीन चिली काट रही हूँ और साथ में धनिया भी मैंने काट लिया है और नमक भी यहाँ पे मेरा जो है ना वो आ चुका है बस अभी। और सिस्टर बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि जब तेज़ मिर्चें होती हैं तो कम ही डालो। फिर मैंने जो है ना ग्रीन चिली काटी है, तो और नहीं काटूँगी, क्योंकि 5 ली थी तो और मैंने ऐसे किया है ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। सारा मटेरियल मामी ने यहाँ पर रख लिया है। बीच में आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे जी आलू ऐड हो गए हैं, तो ये रेसिपी कुछ और ज़्यादा क्रंची बनने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। जिसमें आलू ऐड होते हैं तो वो तो साफ जा रहा है, वो ज़्यादा पकौड़े की बहन होती है। हमने 1 कप ले लिया है सूजी का, 2 चम्मच लिए हैं नमक के, 2 लिए हैं रेड चिली के चम्मच, और यहाँ पे जो है ना आप आलू गिन सकते हैं। आलू बॉयल किए हैं? 7 आलू हैं, हाँ जी बॉयल किए मैंने, और साथ में ग्रीन चिली है, हरी मिर्चें काटी हैं, और थोड़ी सी जो गट्टी है ना वो सब्ज धनिया की काटी है। मामू कहते हैं कि आज जो है ना बारिश आएगी, उनके मतलब उस जो लोकेशन वो लगाते हैं उनके मुताबिक कहते हैं कि आज बादल है, बारिश आएगी, देखें अल्लाह पाक क्या करता है। बाकी ये जो है ना ये रेसिपी जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पकौड़ों की कोई सगी बहन लगती होगी, या बहन है या भाई है या सोत्र मुलेर, कोई ना कोई लगती होगी। यानी क्या बना रही हैं आप, ये नहीं बताया। मैं अभी बता दूं या फिर आखिर में बताऊं? अभी बता दें, चलो अभी बता दूं। अभी मैं ये जो सब चीज़ें हैं ना ये मैं बना रही हूँ शामी कबाब। मैंने बोला था ना कि आप लोगों की ये कोई ना कोई पकौड़े के रिश्तेदार लगती होगी। रिश्तेदार है ना वो, तो पकौड़े हैं शामी और पकौड़ों की कितना जमीन आसमान का फर्क। हाँ फर्क है, लेकिन वो है तो दूर की रिश्तेदार ही सही। हाँ, दूर क्योंकि नमकीन है, उसी तरह बीच में मिर्चे वर्चे हैं, आलू है, दोपहर को आप सिर्फ तंदूर की रोटी हो और मजे के साथ चटनी हो और आप आराम से आप दोपहर को रोटी खा सकते हैं। बिल्कुल, बेसन की जगह बस सूजी है, बाकी तो सारी चीजें वही है ना। हाँ जी, लेकिन वो बनाने में भी तो अलग ही है ना, मैं दिखाती हूँ। हाँ बिल्कुल, उठो ये चरपाई उधर करो, ताकि फिर ये जो है ना थोड़ी सी मैं दूर होके बैठूंगी, ये फिर जलूँ ना मैं। चलो पकड़े साथ में कर दूँ। बस बस बस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई जो है मामी ने डाल दिया जी ऊपर, कढ़ाई इसलिए डाली है कि घी तब तक हो जाएगा गरम। घी नहीं डालना। हाँ वो गिलास लेके भाग गए ना साहिबा। पानी डालना। हाँ पानी डालना, मैं फिर जाके ले आऊँ। बड़ी खाला का बेटा जी ट्राई कर रहा है सुई में धागा डालने के लिए, मुझे लगता है बड़ी खाला के साथ साथ इसकी भी आँखें बनवानी पड़ेंगी, जो हालत है इसकी। सुबह से मैं देख रहा हूँ इससे सुई में धागा नहीं डाला जा रहा, जल्दी करो जल्दी करो, शाबाश। हाँ ये यहाँ से ना वो बांध लास्ट वाला खींचने लगे हैं, बड़ी खाला की चार पाई है तो वो वहाँ से कट गया, तो उसको सीने के लिए सुई में धागा डाल रहे हैं। पानी ऐड हो चुका है जी। अब मुझे ये बताना ये पकोड़े ऐसे बनते कभी? नहीं, इस तरह बताना जरूर। वो तो घी डालना पड़ता है उनका महलूल बना के बीच में उठा उठा के डालते जो पकौड़े बन जाते हैं। हाँ। पर ये कुछ अलग ही बना रही हैं आप। चलो मज़ेदार रेसिपी अपने बहन भाइयों के लिए लेके आते हैं। रेड चिली कहीं आपको मंजिल आती है? बिल्कुल, ये वो कहते हैं ना बिस्मिल्लाह। सॉरी, धनिया मैंने भी धनिया
इसको उठा लूं? हाँ, नमक नमक रेड चिली बाद में डाल लूं? अभी डालूंगी लेकिन इससे डालूंगी। सूजी भी डाल दो? नहीं अभी नहीं, रख दो। ये पूरे हो जाएंगे फैमिली में? हमारे फैमिली में जो यहाँ पे बैठे हैं उनमें तो पूरे हो जाएंगे, फैमिली में हो ना हो। अच्छा नहीं ऐसे आज मैं थोड़ी फैमिलियों के लिए वीडियो वो बना रही हूँ ना, वीडियो ये वाली छोटी सी फैमिली होती है और मिनटों सेकंडों में जो है ना वो काम हो जाए। क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही उठ गया ऊपर, तो ऊपर वाली कढ़ाई गरम थी। जिसका काम उसी को सांस है। इसमें सीख शादी होने वाली है ना, मैंने कहा थोड़ी प्रैक्टिस मैं भी कर लूं। कर लो, अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से ना पहले आलू को ठंडा कर लूँ ऐसे करके, फिर इनको अच्छी तरीके के साथ पीसूँगी ऐसे करके। 3 मिनट के लिए सब चीज़ें मैंने पका ली हैं, तो अब मैं डालने लगी हूँ सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है जी, नमकीन सूजी आप लोगों ने कभी खाई है? जैसे इस सूजी का सालन भी तो बना सकते हैं ना? हाँ जी बना सकते हैं। लुक बहुत प्यारी आ रही है ना, ये देखो बहुत प्यारी लग रही है। बिस्मिल्लाह। अभी हो गए ऐड आलू। बिल्कुल आलू भी ऐड कर दिए मामी ने। अभी हम इनका जो है ना अच्छी तरीके के साथ जो है ना मिक्सचर बनाएंगे, ताकि ये सब मिक्स हो जाए और इसका अच्छा लुक आए। मिक्सिंग अच्छी होगी तभी जाके जो है ना हर चीज़ का टेस्ट आएगा, एक टिक्की में आएगा ऐसा समझ लें। शामी के एक टिक्की में हर चीज़ का टेस्ट आएगा। बिल्कुल। इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा डीप फ्रीजर में रखना होगा? नहीं इसको नहीं रखो, फोन को रखो, हीटअप जो कर रहा है। अच्छा मैंने कहा बोल रही हूँ कि इसको जाके ना रख के आओ, मैं तब तक ना कोई और चीज़ बना लूँ। पता नहीं क्या मैंने सब मैरिनेट करने के लिए इसको रखना। इसको थोड़ा सा खोलो। अच्छा इसको फोन को रख के आता हूँ, फोन को मैं रखता हूँ। चलो अब ये थोड़ा कर लें, मैं तब तक मेरा अभी पानी में डबो के आया हूँ फोन को। नानी अम्मा के ना वो दुपट्टा गीला था ना, वो नहा के आई है कपड़ों के साथ, तो मैंने उसके साथ अच्छी तरह इसको ठंडा किया। अभी ना हम इसको जैसे आटा गूंथता है ना इसको मैंने वैसे ही गूंथना है। बड़ी खाला आ गई है जी हेल्प करने के लिए, और मोबाइल मैं ना फ्रीजर से निकाल के ले आया हूँ। अभी थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन इतना टेम्परेचर बाहर है कि बाहर आते ही फिर मोबाइल को गर्मी का एहसास होने लग गया है। कितना वीडियो फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है, मतलब रिजल्ट सही नहीं आता, और जो प्रोसेसर है मोबाइल के वो गर्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। चलें हम जल्दी जल्दी बनाते हैं टिक्कियां और फिर इसको करेंगे अच्छे से फ्राई। ऐसे नहीं तो देखो कितने प्यारे से बना है, छोटे छोटे गोल गोल। हर चीज़ की शामी बन सकती है आप जिस तरीके के साथ भी बनाना चाहें। तो ये न्यू रेसिपी अपने बहन भाइयों के कद्दू की भी बन जाती है? हाँ बनाएंगे, कद्दू की बनाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ में फ्राई भी करना शुरू करते हैं। इधर बड़ी खाला ने माशाल्लाह 3, 3, 6, 2, 8 बना लिए, 9वीं हाथ में है, ये तकरीबन बन जाएंगी और 15-20। नहीं मैं नहीं खाने वाला, मैं मतलब ज्यादा तेज मसाले वाली चीजें नहीं खाता। ये तेज मसाले वाले नहीं, ये 3-4 खा जाऊंगा।
देखो कहती है वैसे मैंने लाल की है। तीन चार का डब्बा एक तरफ पे जाएगा, दूसरा तरफ तो खाली रह जाएगी, नहीं बन जाएगा। तैयार काम देखो, वो तैयार तो बड़ी जोरेवार रहते है। ना, ना टीचर ये घर में ना बना के फ्रिज में रखनी चाहिए ताकि दोपहर को बच्चों को भूख लगे तो अपना फ्राई करके खा ले। तीन चार फ्राई करके दे दो। हाँ जी, तो मैं ये सोच रही हूँ आप कुछ तो डब्बा डब्बे के अंदर बना के टेस्ट या बच्चे टेस्ट कर लें उनको कैसे लगती है, ये कैसे मजे से खाते हैं, क्या करते हैं। शामियाँ हो चुकी हैं जी फ्राई, और ऊपर देखें थोड़ा थोड़ा धनिया मामी ने डाला है, दूसरी बार निकाल रही हैं। अभी भी शामियाँ काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं और साथ में हमने एक दो खा भी लिए यहाँ पर। यह देखा हम टेस्ट भी तो कर रहे हैं। हाँ टेस्ट कर रहे हैं साथ साथ, साथ में धनिया रखा हुआ है जी सब, ये भी डालेंगे जी ऊपर। बस तीन तीन छः रह गई हैं, बाकी सारी बन चुकी हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ा धनिया डाल देते हैं जी। पहली तौर पर जी हमारी टेस्ट भी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, और आप लोगों को लुक नज़र आ रही होगी जी भी। जो शामी बनी है वो अगर ऑनेस्टली रिव्यू दिया जाए तो काफ़ी क्रंची क्रंची बनी है, जैसे ज़्यादा नरम नहीं है, ज़्यादा सख्त नहीं है, यानी कि बीच वाली लेवल, यानी कि क्रंची है। खाने में थोड़ा मज़ा आएगा, तो बहुत ही रोटी के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो हमारे विलेज में तो ये रोटी के साथ खाते हैं। हाँ जी, जो सच बात है, सच बात है। तो आज की रेसिपी जो है ना अपने बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन मम्मा को जाके सबसे पहले टेस्ट करवा लो, मम्मा को कैसी लगी है। चलो मैं इसको टेस्ट करवाता हूँ। ये गरम है। एक हाथ में नहीं पकड़ी, उसमें दे दो। हाँ थोड़ा सा प्लेट में दे दो। धनिया आप, चलो धनिया भी रहने दे बीच में। एक और भी दे रहे हैं, माँ बैठी हुई है, एक और भी। चलो नानी अम्मा से करवाते हैं टेस्ट, फाइनली रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। नानी अम्मा शामी कबाब ले ले ले, अम्मा आप भी लें एक। ठंडे हैं, गर्म है। चलें आप जब ठंडा हो जाइएगा ना तब टेस्ट कीजिएगा, अभी गर्म है। लेकिन मैंने चेक किए हैं, मैंने और बड़ी खाला ने, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। मामी ने भी खुद खाए हैं, मैं तो भी खा रही हूँ। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी अपने बहन भैयाओं को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।